इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम का आधार संकलन है। विश्वसनीयता के लिए संदर्भ ग्रंथ का संपर्क करें। नमस्कार, आइए, स्वागत है आपका लोकप्रिय कार्यक्रम इतिहास के पन्नों में। आए, देखें, सुने, सोचे, समझे और मनन करें क्या कुछ हुआ आज के दिन इतिहास के पन्नों में। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। दिनांक 18 अगस्त सन 1227 में चंगेज खान इनका मृत्यु हुआ। सन 1770 में प्रथम बाजीराव पेशवा इनका जन्म हुआ। सन 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। सन 1801 में अंग्रेज अधिकारी एल्फिस्टन हैदराबाद पहुंचा। सन 1872 में भारतीय संगीत के प्रज्ञा चक्षु विष्णु दिगंबर पलुस्कर इनका जन्म हुआ। सन 1907 में मैडम कामा ने जर्मनी में भारतीय राष्ट्रध्वज लहराया। सन 1915 में लीना साराभाई इनका जन्म हुआ। सन 1915 में बलवंत खापर्डे लिखित सर्वस्वाची गाणी ये किताब प्रकाशित हुई। उसकी कीमत थी 3 आने। सन 1931 में अमरावती में गुजरात के वेरावल अत्याचार की सभा आयोजित हुई। सन 1933 में मृत्यु भोज प्रतिबंधक मंडल की स्थापना की गई। सन 1936 में दिग्दर्शक गुलजार इनका जन्म हुआ। सन 1942 में अटक सत्र दरमियान अमरावती में रामेश्वर अवस्थी, छक्केलाल गुप्ता, रतन काले, माणिकराव मोरे, सरवैया और कांताबेन वर्मा इनकी अटक की गई। सन 1943 में देशभक्त सदातपुरे इनकी अमरावती के जेल से रिहाई हुई। सन 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तथाकथित विमान दुर्घटना हुई। सन 1946 में अभिनेत्री अरुणा ईरानी इनका जन्म हुआ। सन 1946 में अमरावती में बुआबाजी विरोध सभा का आयोजन किया गया। सन 1978 में अमरावती जिला परिषद के अध्यक्ष श्री धांधे बने। सन 1979 में पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक इनका निधन हुआ। सन 1992 में अमरावती जेडपी के मुख्याधिकारी अविनाश धर्माधिकारी बने। सन 1998 में अभिनेत्री पारसी खंबाटा इनका निधन हुआ।